नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है वो सर्वाधिक अपने स्पाउस को लेकर के रिलेटेड है कि मैरिज के चांसेस कब हैं, धोखा तो नहीं मिलेगा या कैसा बिहेवियर रहेगा। ओवरऑल इस प्रकार की आपकी क्वेरीज निकल के आ रही हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो एज यहाँ पर आपका निकल के आ रहा है मैरिज का, वो अराउंड यहाँ 32 अप्रोक्स एज यहाँ निकल के आ रहा है, क्योंकि उस समय आपके लाइफ लाइन की सपोर्टिव लाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और ऊपर से ऑफ शूट्स भी यहाँ पर निकल रहे हैं। तो मैरिज अराउंड 32 to 34 के मिड में होने के चांसेस सबसे ज़्यादा ब्राइट हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो आपका गुरु माउंट है वो कंपेरेटिवली डेवलप्ड यहाँ अच्छा है, इसमें कोई ऐसा दोष मुझे दिख कहीं से कहीं तक नहीं रहा है। ऊपर से आपकी प्रोग्रेस लाइन भी यहाँ पर पहुँची है, आड़ी रेखाएं भी हैं और इन सबके द्वारा एक प्रकार का फॉर्मेशन भी बन रहा है स्क्वायर का, लेकिन ये फुली कंप्लीट नहीं है तो इसको हम प्रॉपर स्क्वायर नहीं यहाँ कंसिडर करेंगे। बट यहाँ पर आप देखें तो जब इस प्रकार की आड़ी रेखा होती है तो ये एक प्रकार से धार्मिक रहने की योगों को ज़्यादा व्यक्त करता है स्पाउस के भी, और आपका भी यहाँ पर जो है दयालुपन का किस्म ज़्यादा देखने को मिलेगा, जिसके कारण दूसरों का दुख दर्द जल्दी समझना और एक प्रकार से दूसरों के हेल्प के लिए ऑलवेज रेडी रहना और एनजीओस के लिए काम करना, सोशल वर्क करना, यह आपके नेचर में रहेगा। और पार्टनर के नेचर में धार्मिकपन ज़्यादा रहेगा, जिसके कारण आप ही उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाले होंगे और आपके बाद ही किसी अनदर पर्सन का लाइफ में उनके जो है स्थान रहता है। जिनके हाथ में इस प्रकार के फॉर्मेशन होते तो उनके स्पाउस बहुत ज़्यादा एक प्रकार से जैसे पतिव्रता हुए या फिर धर्म कर्म के कार्यों में जो बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं वो वैसे योग ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो पहला तो यहाँ पॉजिटिव साइन ये हो गया, क्योंकि जब इस प्रकार का साइन होता है तो एक प्रकार से डेडिकेशन जो स्पाउस का रहता है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है पार्टनर को लेकर के। दूसरा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनका ही रहेगा, आपका भी रहने वाला है। यहाँ रीज़न ये है कि यहाँ जो आपकी हार्ट लाइन है वो सीधे उठ के गुरु से कनेक्टेड हो गई है, और जब गुरु से हार्ट लाइन कनेक्टेड होती है तो ये एक्सट्रीम इमोशनल नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण आपका लगाव सबसे ज़्यादा अपने स्पाउस को लेकर के रहने वाला रहेगा। इमोशनल नेचर का यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन ऐसा होता है कि एक बार आपका किसी से जैसे अटैचमेंट हो गया तो डिटैचमेंट होने में बहुत दिक्कत होता है, और किसी भी रिलेशन में आप अपने तरफ से 100% एफर्ट्स डालते हैं, भले ही सामने से मिले या ना मिले वो बात अलग होती है सेपरेट केसेस में, लेकिन इस केसेस में ये रहेगा कि जितना आप देंगे उससे अधिक आपको यहाँ मिलने वाला है। तो बिल्कुल भी ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है। डिवोर्स वगैरह के देखिए ऐसा कोई भी योग तो यहाँ मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन यस, जब जब यहाँ राहु रेखा काटती है तब उस टाइम पीरियड पे स्ट्रेस लाइफ में आता है। अब जैसे यहाँ पर आपके माइंड लेन पर भी देखें तो एक आइलैंड का फॉर्मेशन यहाँ अवेलेबल है, और ये आइलैंड का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ 32 to 35 के मिड में, तो ये टाइम पीरियड थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रह सकता है। और इस टाइम पे ही आपके यहाँ पर भी देखेंगे तो स्ट्रेस लाइन यहाँ काट करके भी जा रही है, तो ये एक प्रकार से इन द टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन द टर्म्स ऑफ मनी किसी न किसी वे में लॉसेज आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन इन पर्टिकुलर रिलेशनशिप कोई भी ऐसा अफेक्ट या प्रॉब्लम रहने नहीं वाला रहेगा। क्योंकि यहाँ यूनियन लाइन की भी सेपरेटली हम बात करें तो यहाँ देखेंगे आप कि यहाँ यूनियन लाइन एकदम सेपरेटेड सीधे एकदम जा रही है, सेपरेट एक लाइन है और ये स्पष्ट लाइन है, और इसके कंपेरिजन में एक और यहाँ पर लाइन है। तो जब ये दो लाइन होती है तो ये प्रॉपरली ये नहीं बताता है कि व्यक्ति का दो बार एक प्रकार से शादी ही होगा, बट यस, एक से ज़्यादा बार आपका अटैचमेंट या रिलेशन रहने के चांसेस हैं। और यहाँ पर दोनों रेखा एकदम स्ट्रेट है, तो इस कारण से ना आप डोमिनेटिंग नेचर के रहेंगे सामने वाले पर्सन के प्रति, ना सामने वाला पर्सन आपको एक प्रकार से डोमिनेट करेगा या दबाएगा, दोनों इक्वलिटी के अनुसार अपना रिलेशनशिप रन करेंगे। तो इस कारण से कोई भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ ऐसी नहीं है जो आपके रिलेशन को ब्रेक डाउन करे। सेपरेटली अगर मैं फेट लाइन की भी आपकी बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ आप देख पाएंगे कि आपका जो फेट लाइन है कंपेरेटिवली कुल मिलाकर के चलिए अच्छा रहा है। माइंड लाइन पर आकर के थोड़ा इस पर डिस्टर्बेंस हुआ अराउंड 35 के एज के बाद में, जिसके कारण आपके प्रोफेशन या करियर में थोड़े चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उन चेंजेस के कारण डबल सोर्स ऑफ अर्निंग भी स्टार्ट हो रहा है, और ऊपर से सेपरेटेड यहाँ पर आपकी लाइन है। इट मीन्स सैटर्न पर जब सेपरेटेड एक लाइन होती है तो ये सेटिस्फैक्शन को इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में सेटिस्फाइड पूरा रहेगा। तो आप बिल्कुल भी चिंता जो है छोड़ दीजिए कि कोई ऐसा प्रॉब्लम या दिक्कत परेशानी आएगा। एक जो है यहाँ पर आपके सपोर्टिव लाइन भी चल रही है, और ये सपोर्टिव लाइन निरंतर चल रही है, तो इस कारण से सामने वाले पर्सन का सपोर्ट भी या एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि प्रेम हमेशा जो है बरकरार रहने के चांसेस अच्छे बनते हैं। तो अच्छे खासे पॉजिटिव योगास हैं। गुरु के साथ साथ यहाँ शुक्र भी डेवलप है, जो हर प्रकार के सेटिस्फैक्शन को इंडिकेट करता है मैरिड लाइफ को लेकर के। तो कोई ऐसी बेसिक प्रॉब्लम या इशू यहाँ पर नहीं है। क्वालिटी ऑफ मैरिड लाइफ हो गई, या प्रेगनेंसी या चिल्ड्रन की बातें हो गई, तो या एक प्रकार से कैसा ओवरऑल बिहेवियर नेचर रहेगा, तो देखिए सब बेस्ट है।
ए टू जेड जितनी ये सारी बातें हैं, जितने अच्छे आपको रिजल्ट मिल सकते हैं वो सब आपको मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर यहाँ दिक्कत होता तो एक ही बार में मैं आपको डायरेक्टली इंडिकेट कर देता, बट सारी की सारी जो फॉर्मेशन है आपके पाम में वो सब के सब मेरे लाइफ को बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट कर रहे हैं अच्छे खासे। जहाँ तक रही बच्चों की बात, तो यहाँ पर आपके बेबी गर्ल होने के चांसेस अच्छे खासे हैं, और बेबी बॉय के भी, एक बेबी गर्ल एक बेबी बॉय होने के चांसेस अच्छे, क्योंकि जब वी सिंबल बनता है तो ये बेबी बॉय देता है, और उसके पहले अगर छोटे मोटे आइलैंड्स भी बन रहे हों, ऊपर की ओर रेखा भी उठ रही है, तो बेबी गर्ल के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। तो बेबी गर्ल देन आफ्टर बेबी बॉय, लेकिन ये कन्फर्मेशन बिल्कुल भी नहीं यहाँ पर होता है हस्ती रेखा में। इसके लिए जो पार्टनर है उनके हाथ से प्रॉपरली मैच कराना रहता है, तब जा कर के कन्फर्मेशन प्रेडिक्शंस चाइल्ड को लेकर के निकलता है। बट ओवरऑल दो यहाँ पर चिल्ड्रन के योग अच्छे, और वो जैसे यहाँ पर आपके ऑफशूट भी निकला है 32-34 अराउंड एज में, तो इसी टाइम पे जो है बच्चे के भी योग अच्छे हैं। बात करें अब ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर, तो फिंगर की लेंथ यहाँ आपके पूरे पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। बेसिकली आपके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगा, जिसके कारण स्टेमिना हम कह सकते हैं या फुर्तीलापन बहुत ज़्यादा रहने वाला है। तो इस कारण से जीवन में जो चाहत है किसी भी चीज़ को पाने की, वो बहुत ज़्यादा जल्दी देखने को मिलता है। इसीलिए फटाफट क्विकली एक्शन लेना या रिएक्ट करना किसी भी बात पर, वैसे योग यहाँ पर ज़्यादा अच्छे बनते हैं। और साथ ही साथ आप किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाएंगे, परंतु अपने अंडर में दूसरों को रख करके आप अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। लिटिल फिंगर की लेंथ तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुँच रहा है, तो कम्युनिकेशन स्किल इससे अच्छा रहता है, अपने बात को स्पष्टतः व आसानी से दूसरों के सामने रख पाएंगे। कोई भी ऐसी हिचकिचाहट, घबराहट या मन के अंदर बात को दबाना ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं है। और सेपरेटेड यहाँ पर आपकी सारी की सारी फिंगर हैं, लिटिल फिंगर जब सेपरेटेड होती है, इसका कहीं अगर झुकाव ना हो, तो आप जैसे लोग अपने हितों की रक्षा करने वाले होते हैं। आप यानी जो आपने मत रखा उस पर आप अड़िग रहेंगे, जो बात आपने कही उस पर अड़िग रहेंगे, जो ठान लिया वो चीज़ करके दिखाना है। इसके बाद पंचुअलिटी और मैनेजमेंट भी यहाँ पर आपका अच्छा देखने को मिल रहा है। थर्ड और फर्स्ट फिंगर के लेंथ में यहाँ कंपेरेटिवली देखेंगे तो फर्स्ट फिंगर की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा है, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। तो लाइफ में कभी भी किसी भी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ लेने से आप पीछे नहीं हटेंगे, और एक प्रकार से गुड लीडरशिप क्वालिटी और टीचिंग क्वालिटीज़ को भी ये इंडिकेट करता है, जिसके कारण किसी समूह का अच्छा नेतृत्व कर पाना, लोगों से अच्छे तरीके से काम निकलवा पाना और नॉलेज में भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी, ऐसे सारे फॉर्मेशंस यहाँ अवेलेबल है। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा मित्रतापूर्वक स्वभाव को व्यक्त करती है, तो उस कारण से हर परिस्थिति माहौल में आप ढल जाने के सक्षम रहेंगे और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी अच्छे से डील कर पाएंगे। यहाँ जो एक तिल का साइन है फिंगर के ऊपर, अगर ये तिल है मुझे इन्फॉर्म करें, क्योंकि यहाँ का तिल एक प्रकार से लक को थोड़ा कमज़ोर भी करता है, उसके साथ साथ चिंतात्मक स्वभाव भी देता है। अगर ये तिल है तो इसके अकॉर्डिंग मैं आपको रेमेडीज दे सकूं, और गुरु पर भी अगर यहाँ पर ये तिल है तो इस कारण से मैरिड लाइफ के स्टार्टिंग ईयर्स में थोड़े से इश्यूज़ और ट्रबल आते हैं। अगर तिल है तो बताएं, नहीं है तो फिर तो कोई दिक्कत वाली ऐसी बात ही नहीं है। बाकी फैलेंजेस डेवलप्ड यहाँ अच्छा है, अंदरूनी मंगल भी डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना और एनर्जी अगेन अच्छा देखने को मिलता है। थंब का साइज़ यहाँ पर सशक्त है, मजबूत है, प्योर 90 डिग्री एंगल है, तो हठीपन ज़्यादा देखने को मिलता है, यानी ज़िद्दीपन आपके अंदर ज़्यादा रहेगा, अपनी ज़िद्द की ही आप अत्यधिक सुनने वाले रहेंगे और किसी के सामने झुकना भी ज़्यादा आपको पसंद नहीं रहेगा। फर्स्ट फैलेंज के कंपैरिजन में सेकंड फैलेंज की लेंथ थोड़ी ज़्यादा है, तो लॉजिक लगा कि कोई भी काम करेंगे तो लाभ उससे अच्छा आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर भी योग का चिन्ह डेवलप है, जो कि सिक्स सेंस इंट्यूशन पावर के लिए अच्छा माना जाता है। जैसे एक प्रकार से अगर आप मेडिटेशन करें, योगा पूजा पाठ करें, तो आपका ग्रेसिपिंग स्किल यानी सीखने समझने की क्षमता और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाने वाली रहेगी, प्लस धीरे धीरे करके और ज़्यादा पीसफुलनेस हैप्पीनेस लाइफ आप में आपके आते हुए देखने को मिलेगा। इसीलिए ये बुद्धा साइज़ को कंपेरेटिवली अच्छा माना जाता है। पाम का साइज़ आपका एक प्रकार से स्क्वेरिश हैंड में कन्वर्ट हो रहा है, जो कि एक हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है। तो लाइफ में कभी भी किसी चीज़ के लिए ना नहीं करेंगे और किसी भी प्रकार के मेहनत से कभी भी आप पीछे नहीं हटेंगे। यहाँ देखें आप तो इंस्पिरेशन मोटिवेशन जोन अच्छा डेवलप है, तो कोई भी काम करने से पहले प्रेरणा, ऊर्जा, उत्साह या एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा रहता है। एक्शन जोन डेवलप ठीक है, थिंकिंग जोन वीक है, यानी आपको करना है ये तो पता है लेकिन कैसे करना है, क्यों करना है, थिंकिंग जो जोन है वो वीक है। तो इस कारण से होता ही है कि पहले आप एक्शन ले लेते हैं, फिर जा कर के थिंकिंग या एनालिसिस या प्रोकॉन्स देखते हैं। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ, तो आ जाते हैं पाम के यहाँ क्लोजअप पे। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें, तो गुरु का क्षेत्र आपका डेवलप ठीक है, तो इस कारण से एक प्रकार से स्पिरिचुअलिटी की ओर भी आपका एक प्रकार से ध्यान रुझान अच्छा देखने को मिलेगा। और जैसे जो भी आपका धर्म कास्ट रिलीजन है,
उसके प्रति मान सम्मान आदान प्रदान अच्छा होता है। तो गुरु कोई यहाँ पर कमी नहीं दे रहा है, मेरिड लाइफ भी स्मूथ और फ्रूटफुल देखने को मिलेगी, नॉलेज अच्छा रहेगा, बच्चे भी यहाँ संस्कारी देखने को मिलेंगे। और जैसे गुरु से कनेक्टेड हुई हार्ट लाइन तीन बेनिफिट देती है, पहला ससुराल पक्ष मजबूत होता है, दूसरा राजनीति से कनेक्शन होता है, थर्ड वन किसी भी चीज़ की लाइफ में कमी नहीं होती, पूरी आरामदायक जीवन देखने को मिलता है। तो ये बेसिक तीन सुख तो मिलता ही है। इसके अलावा देखें यहाँ पर आपके सैटर्न माउंट की, तो सैटर्न माउंट डेवलप्ड यहाँ ठीक है। और जहाँ तक बात करें फेट लाइन की भी, तो फेट लाइन में कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम यहाँ नहीं है। यहाँ देखेंगे आप तो फेट लाइन कंपेरेटिवली 35 के एज पर आया है और उसके बाद जा करके ये ओवरलैपिंग होकर के सैटर्न तक पहुँचा है। इट मीन्स 35 से 36 के अराउंड में आपके प्रोफेशनल या करियर लाइफ में किसी न किसी वे में चेंजेस रहेगा, जिसके कारण और ज़्यादा अर्निंग होगी, और ज़्यादा ग्रोथ होगा, जो कि आपको मेंटल पीस और ऊपर से सेटिस्फेक्शन देने वाला रहेगा। क्योंकि सैटर्न तक कोई भी लाइन पहुंचती है तो ये सेटिस्फेक्शन देती है, और ऊपर से मून लक लाइन भी आई है तो बाहरी दुनिया, बाहरी लोगों का कनेक्शन, फॉरेन जाने के चांसेस या फॉरेन से अर्निंग के भी चांसेस ब्राइट हो जाते हैं। तो इस कारण से जो ये लक है ये इंडिकेट करता है कि आपको कभी भी दूसरों का सहयोग से बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, और जब जब दिक्कत परेशानी कष्ट जीवन में आएगा दूसरे व्यक्ति साथ देने के लिए रेडी हो जाएंगे, कोई अननोन पर्सन भी आपकी हेल्प कर जाएगा। तो इस प्रकार की भाग्य रेखा, तो ज़्यादा चिंता करना ही नहीं चाहिए, भाग्य अच्छा है, डेस्टिनी आपको ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें जो आपके हक में है सब प्रोवाइड करेगी आपको। इसके अलावा सैटर्न के बाद सूर्य की यहाँ बात करें तो सूर्य डेवलप्ड ठीक है, बट जो लाइन है वो प्रोमिनेंट नहीं है। जैसे लाइन देखेंगे हल्की सी है, प्रोमिनेंट चल नहीं रही है। हालांकि इस प्रकार की रेखा वालों की भी सरकारी नौकरी होती है, बट जब इस प्रकार के फॉर्मेशन होते तो थोड़ा सा लाइफ को लेकर के धुंधलापन होता है, क्लैरिटी नहीं होती लाइफ को लेकर के कि करना क्या है, कैसे करना है, और फोकस में भी ये थोड़ी सी कमी को यहाँ व्यक्त करता है। ओवरऑल यहाँ देखा जाए तो मरकरी माउंट डेवलप्ड आपका ठीक है, तो इस कारण से मन के अंदर कोई भी बात नहीं दबाएंगे आप, और एक से अत्यधिक रेखा मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को भी बताता है। तो बिजनेस में आप जा सकते हैं, व्यापार से अच्छा लाभ मिलेगा, अर्निंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट है, क्योंकि मून लक लाइन भी है, तो एक प्रकार से ये लक है आपका, जिसके कारण किसी भी वे में अगर आप किसी भी टाइप का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो लक आपको सपोर्ट करेगा ऊंचा उठाने में और बहुत ऊपर तक ले जाने में। तो इसीलिए बहुत शुभ ये माना जाता है, और एक प्रकार की हीलिंग क्वालिटी सबके अंदर रहेगा, जिसके कारण दूसरों के दुख दर्द को आप समझ सकते हैं, उनका सहयोग कर सकते हैं। सामने वाला व्यक्ति हमेशा आएगा आपके पास और उसको बातचीत करने में भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके अंदर अट्रैक्टिव नेचर है, हीलिंग क्वालिटीज़ बहुत अच्छी है। तो ये जो है बहुत अच्छी बात यहाँ देखने को मिला है। और हृदय रेखा यहाँ से निकल के गुरु से कनेक्टेड है, तो इस कारण से दिल के साफ रहेंगे आप, ऑनेस्ट और लॉयल नेचर के देखने को मिल रहे हैं। और कुछ सपोर्टिव लाइन जैसे आपके गुरु और यहाँ पर शनि के बीच में भी जा रही है, जो कि एक प्रकार के बैलेंसिंग नेचर को इंडिकेट करता है। जब इस प्रकार का फॉर्मेशन होता है तो इमोशंस फीलिंग्स तो होते हैं, लेकिन एक प्रकार से बहुत जल्दी कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की क्षमता भी आपके अंदर है, जो कि एक बैलेंसिंग नेचर को यहाँ बताता है। हार्ट के रिगार्डिंग कोई भी आपको प्रॉब्लम यानी हेल्थ के रिगार्डिंग नहीं है। और यहाँ से एक रेखा नीचे की ओर भी आ रही है, यानी मुँह आपके मार्स माउंट की ओर इसका जो है झुकाव हो रहा है, तो एग्रेशन थोड़ा ख़राब इस कारण से देखने को मिलता है, लेकिन एग्रेशन भी फुली कंट्रोल्ड आपका है क्योंकि आउटर मार्स यहाँ डेवलप्ड अच्छा है। वहीं आपकी बात करें यहाँ पर माइंड लाइन की, तो माइंड लाइन अंदरूनी मंगल से स्टार्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं दूसरों के बातों से जल्दी इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं आप, और बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स करना, उनके अंदर चेंजेस करना, ऐसे फॉर्मेशंस भी देखने को मिलते हैं। माइंड लाइन चल अच्छा रहा है, लेकिन उसमें जो स्ट्रेसेस आना स्टार्ट हुआ वो 24 के एज से स्टार्ट हुआ है, और जो थोड़ा सा टफ टाइम रहेगा वो 31 से लेकर के 34 के अराउंड में किसी वे में आपको टेंशन रहने के चांसेस यहाँ है। उसके बाद से माइंड लाइन में और अच्छा सुधार हुआ है और माइंड लाइन स्ट्रेट जा रही है, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर को बताता है कि सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना विचारना ज़्यादा पसंद करेंगे, टू द पॉइंट बात करना ज़्यादा पसंद करेंगे, लॉजिक लगा के कोई भी काम करेंगे तो लाभ अच्छा मिलेगा, यानी दूरदर्शिता रखें, लॉन्ग टर्म बेसिस पे बेनिफिट देखें तो लाभ अच्छा मिलेगा। ओवरऑल माइंड लाइन स्ट्रेट है, इट मीन्स स्ट्रांग मेंटलिटी है, तो लाइफ में जितना भी प्रॉब्लम आ जाए, ज़्यादा दिक्कत परेशानी या कोई रॉन्ग स्टेप आप अपने लाइफ में नहीं लेंगे। लाइफ लाइन की बात करें तो लाइफ लाइन का फ्लो में भी यहाँ चेंजेस है अराउंड आपको 22 से 23 के मिड में, उसके बाद से आपके लाइफ स्टाइल में चेंजेस अच्छा आया, जैसे रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसके अंदर चेंजेस अच्छा है, और आगे चल करके लाइफ लाइन बहुत स्मूथ हो गई है, तो हेल्थ के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आपको वैसे भी नहीं है। और एक प्रकार से जो सपोर्टिव लाइन है
वो भी स्टार्ट जो है अप्रोक्सीमेटली 31 अराउंड एज से हुआ है, तो ये जो है बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा, जिसके कारण जो ये स्ट्रेसेस आ रहे हैं या माइंड लाइन पे भी जो एक या आइलैंड का फॉर्मेशन बन रहा है, तो उससे ज़्यादा दिक्कत फिर नहीं रहता है, सपोर्ट अच्छा मिल जाता है। यहाँ पर देखें आपके मंगल के क्षेत्र के बारे में, तो अंदरूनी मंगल जैसे डेवलप्ड अच्छा है, बाहरी मंगल भी डेवलप्ड अच्छा है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक प्रकार से फिजिकली फिट और मेंटली अलर्ट दोनों रहने के योग है। तो हाथापाई करने से अपने आप को दूर रखें, इससे नुकसान ज़्यादा हो सकता है, और एग्रेशन पे तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना है। बाहरी मंगल आपका अच्छा डेवलप्ड हो गया है, जिसके कारण आपको जो एग्रेशन है वो कंट्रोल्ड रहेगा, तो इससे ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बाकी जब इस प्रकार से मंगल डेवलप्ड हो, तो आप जैसे लोग कभी भी अपने हितेशी मित्र सगे संबंधियों को किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करते हैं, सपोर्ट जितना हो सकता है अपने ओर से देते हैं। तो मंगल ठीक है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी देखने को मिलती है। शुक्र आपका थोड़ा ओवर डेवलप है, जो कि कामुकता को और एक प्रकार के एडिक्शन को और एक प्रकार के यहाँ कह सकते हैं कि लग्जरियस लाइफ की चाहत को, शौकीन किस्म के नेचर को बताता है, जिसके कारण लाइफ में ड्रीम डिज़ायर एम्बिशंस बहुत ज़्यादा ऊंचे लेवल के देखने को मिलते हैं। और यहाँ की कुछ आड़ी रेखा अननेसेसरी वरीज को बताती है, जो ओवर थिंकिंग के कारण आता है। मैरिज के पहले किसी भी प्रकार के रिलेशन में रहना स्ट्रेसफुल रह सकता है। वही यहाँ की सीधी खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा माना जाता है। एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार बंगला, हर चीज़ रहने के योग आपके अच्छे हैं, तो जीवन में समृद्धि आपको शुक्र अच्छा देगा, तो ये किसी चीज़ की कोई कमी ऐसे बेसिकली होने नहीं देगा। और लाइफ लाइन का एंड में शुक्र की तरफ पूरी की पूरी रेखा झुकी हुई है, जिसके कारण फैमिली से अटैचमेंट ज़्यादा रहेगा, तो फैमिली से दूर रह पाने के योग फिर थोड़े कम होते हैं। और यहाँ से कुछ रेखाएँ भी निकल रही हैं, जो कि फैमिली के सुखों में बढ़ोतरी भी करता है। केतु पर हाफ फिश सिंबल की आकृति है, धार्मिक आप रहें, धर्मकर्म का कार्य करें, आपको केतु लाइफ में सडन गेन वेल्थ और प्रोग्रेस देने वाला रहेगा। और चंद्र पर हो गया है क्रॉस का साइन, जिसके कारण मन दुखी होना, मन विचलित होना, ध्यान भटकना, बेचैनी होना और बेफिजूल का डर भय चिंता एंजाइटी का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो मून रेमेडी करना यहाँ ज़्यादा ज़रूरी, ताकि मेंटल पीसनेस या मन जो है एटलीस्ट आपका शांत रह सके। और मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन क्लियर कट है, तो जीवन में धन अच्छा आएगा भी, रुकेगा भी और बचेगा भी, और किसी भी प्रकार की समृद्धि या लग्जरीज की कोई कमी नहीं है। तो लाइफ में एक भी चीज़ की कमी नहीं है आपके, हर चीज़ का सुख मिलेगा, और बहुत अच्छा टाइम जस्ट 32 एज से आपका स्टार्ट होने वाला है। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।